नमस्कार, आप पत्रिका टीवी आपका स्वागत है। पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में आज हम हाजिर एक और नई शख्सियत के साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जानी मानी आर्टिस्ट ममता रूपाना जी से। ममता जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने की तरह होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आपको सीधा ले चलूंगी ममता जी की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है मैम नमस्कार। पत्रिका टीवी में आपका। जानी मानी आर्टिस्ट हैं, आपने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं, इतनी सारी एग्जीबिशंस आपकी लग चुकी हैं, बहुत सारी विधाओं में आपने काम किया है। शुरुआत जो आपकी हुई थी वो किस तरह से हुई? देखिए, शुरुआत तो एज ए आर्ट स्टूडेंट जब शुरुआत की तो स्कूल में भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो होता था वो ड्राइंग पेंटिंग ही होता जी था। मेरे जी फेवरेट टीचर्स ड्राइंग पेंटिंग में होते थे और उसके बाद से वो यात्रा अब तक चल रही है। फिर पूरी एजुकेशन भी ड्राइंग फाइन आर्ट बेस्ड रही और फिर उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए। लेकिन मैं हर वक्त भगवान का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला बचपन जी से कि ननिहाल में जहाँ पेंटिंग का माहौल था, वहीं अपने पिता के घर में आर्किटेक्चर का माहौल था। तो हर जगह कलर, पेंसिल और पेपर मटेरियल सब कुछ हमेशा मिला। तो शायद बुजुर्गों का आशीर्वाद और ये ऐसा रहा कि वहाँ से वो शुरुआत हुई और अब तक जारी है वो सब चीज़ें। जी आपने जो शुरुआत की थी राजस्थानी मांडना आप बनाया करते थे, जी उसके बाद काफी चेंजेस आपकी तब की जर्नी से अब तक आप जो पहुंची, काफी चेंजेस आए, उतार चढ़ाव काफी रहे। शुरू से जैसे जयपुर में ही पले बड़े और जयपुर में ही पूरा परिवार के साथ रहने का मौका मिला। तो बचपन में दादी, नानी, मम्मा सबको मांडना बनाते हुए बहुत देखा और पता नहीं इतना अच्छा लगता था कि घंटों उनको बैठ के देखते थे। और दिवाली के त्योहार का जब मैं खुद बनाने लगी तो मेरे लिए और कोई चार नहीं होता था दिवाली का आने का, लेकिन सिर्फ ये पता होता था कि मुझे पूरा घर मांडनों से भर देना है, ऊपर सीढ़ियाँ, छत और सब कुछ। तो मम्मा कई बार कहती भी थी कि तुम और भी कुछ कर लिया करो दिवाली पे, हाँ लेकिन नहीं, वो इतना सुंदर लगता था। फिर जब ग्रेजुएशन में मैं महारानी कॉलेज में ड्राइंग पेंटिंग में पढ़ रही थी तो उस वक्त आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। तब भी मुझे लगा कि मांडना एक ऐसी चीज़ है जिसपे जितना खोज के और सबसे मालूम करके लिखा जाए। तो मेरे जो शुरुआती आर्टिकल्स थे वो राजस्थान पत्रिका में ही छपे जी और जी बहुत जी बड़ा जी मोटिवेशन मिला। सबसे पहली बार आपका नाम अगर कहीं छपा हुआ आपको मिलता है और चित्र भी होते थे उसमें मांडना के बनाए हुए मेरे खुद के और आर्टिकल्स होते थे, तो वहाँ से एकेडमिक उसको शेप देना शुरू किया कि नहीं इस चीज़ को। तो पहली मैंने जवाहर कला केंद्र में अपनी एग्जीबिशन की थी परंपरा के नाम से, जी वो सारे चित्र मैंने राजस्थानी मांडना को बेस करके ही बनाए। लेकिन क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जर्नी है, तो जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता और थोड़े थोड़े उसमें बदलाव आते ही रहते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि बहुत देर तक आप एक ही जगह रुक के नहीं रह सकते। वही जी चीज़ हर कलाकार की कला यात्रा में है, उसके क्रिएशंस में है, जी तो सर्टेन चेंजेस थोड़े थोड़े टाइम बाद आ ही जाते हैं। मतलब वो एक ऐसे मारना जो जो हम लोग जमीन पे बनाते हैं, आंगन जी में घर पे बनाया जाता है गोबर से लीप के, उसके बाद जो मारना बनाया हाँ जाता है उसको आप कैनवास पे लेकर आए। हाँ वो जो सीरीज मैंने की तो मैंने उस पे कैनवास और बोर्ड्स पे जी सरफेस उस तरह का तैयार किया कि हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि रहती है उसको महसूस कर सकें लोग देखने पे, और जो कि लुप्त होते जा रहे हैं मोटिफ्स मांडना जी के जी जी हम सवाई माधोपुर की तरफ और उस तरफ कई बार जाके भी कलेक्शन करके लाए। तो ऐसी ऐसी सुंदर आकृतियां हैं जो गांव की महिलाएं एकदम भोलेपन में अनायास बनाती बना चली लेते जाती हैं। हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह ग्लोबलाइजेशन है और हर जगह वो संस्कृति बदल रही है, तो ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें लुप्त हों से पहले हम थोड़ा बहुत इनको सहेज के रखें। तो मैंने काफ़ी पेपर पे भी उनका कलेक्शन किया और पेंटिंग्स पे भी किया और काफ़ी उसको लंबे समय तक काम किया उसमें, लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा सा दूसरी चीज़ों पे भी अभी काम चल रहा है। जैसे आपने बोला कि अब थोड़ा थोड़ा दूसरी चीजों पे काम चल रहा है, फिर मांडना के बाद आपने किस फिर थोड़े चेंज किया? समय मैंने फीमेल कहना चाहिए कि नारी के व्यक्तित्व और उसके सौंदर्य को लेके और राजस्थानी जो महिलाएं हैं और भारतीय सौंदर्य के मापदंड कुछ अलग हैं। तो भारत में जो पुरानी पेंटिंग्स में परंपरागत चित्रों में देखते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा बदलाव लाके कुछ एक सीरीज फीमेल कैरेक्टर्स पे तैयार की और उसमें भी काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 3-4 साल तक काम किया। लेकिन क्योंकि मांडना से शुरुआत हुई थी तो आज भी मेरी पेंटिंग्स में लाइन वर्क जो रेखाएं हाँ हैं जी वो सबसे ज़्यादा मुझे तसल्ली भी देती हैं, बड़े घंटों तक बैठ के पेंटिंग में लाइन वर्क करना। और फिर धीरे धीरे लाइन
लगा कि नहीं, अब जो स्थितियां हैं समाज की और हमारे पर्यावरण की, तो फिलहाल पिछले 2-3 साल से मैं पर्यावरण का सोचती हूँ कि कम से कम अगर आप दूर जाके और बाहर कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर में और आसपास में कला दीर्घा में तो हमें प्रकृति से फूल पत्ते नदियाँ झरने जो भी हैं, तो थोड़ा सा उनको एज इट इज फोटोग्राफिकल वे में नहीं, अपनी लाइन्स की जो मेरी स्टाइल है उसमें मैं अभी इन दिनों नेचर पे काम कर रही हूँ। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलते हैं मैम आपको, चेंज करते रहती हैं? इंस्पिरेशन तो क्योंकि अब थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि आर्टिस्ट और आर्ट टीचर दोनों एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो आप पूरा फोकस अपना अपने आर्ट वर्क पे, अपनी पेंटिंग पे, अपने वर्क पे ही दे पाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पिछले 28 सालों से आर्ट टीचर हूँ तो मेरी प्रायोरिटी अपने स्टूडेंट्स होते हैं। कई बार आपका आर्ट वर्क कई महीनों तक अधूरा पड़ा रहता है, लेकिन आपको क्योंकि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्लासेज और लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो लेकिन वहीं से कहीं जहाँ अपने सीनियर्स और अपने टीचर्स तो इंस्पायर करते ही करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी और कई बार जो अब हमसे बहुत छोटे भी हैं बच्चे, उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़, वो भी दिन भर उनके साथ रहना भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है जी। तो एज एन आर्ट टीचर मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है कि हर बच्चा कुछ नया बनाता है, हर बच्चे की क्रिएटिविटी का लेवल अलग है, इतने नए आइडियाज़ लेकर आते हैं हर दिन, तो वहाँ से इंस्पायर होना बहुत अच्छा लगता है कि जब यंग बच्चे और इतना रोज कुछ नया लेके आ सकते हैं, तो हमें भी आर्ट में थोड़ा बहुत अपने बदलाव लेकर कंटिन्यूस करना काम बहुत ज़रूरी है। समय आप कितना दे पाती हैं इन सारी चीज़ों के बीच, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, आपका लेक्चरर भी हैं, आप स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और ये काम आपका बहुत जैसे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा बंदिशें रहती हैं और बहुत सी चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है, बीइंग ए आर्ट टीचर, स्टूडेंट्स भी है, क्लासेस हैं, कॉलेज हैं, तो लेकिन हाँ फिर भी समर वेकेशंस में कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है या जब भी थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, तो इसी वजह से थोड़ा अभी पिछले दिनों से मैं, क्योंकि आर्ट टीचर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर बीच बीच में आपके कई बार वर्क प्लेस भी चेंज हो जाते हैं, नई जगह आप हैं, पुराने स्टूडेंट्स को छोड़ के एनवायरनमेंट नया है सारा, तो उस मोबिलिटी को देखते मैंने पिछले कुछ समय से छोटे आर्ट वर्क पे काम करना चालू किया है, ताकि आप कहीं भी हों उसको मूवेबल उसमें ले जा सकें। तो अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट नेचर सीरीज़ पे मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत बड़ा साइज़ नहीं करके, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो भी नहीं रुके, हाँ, आपकी क्रिएटिविटी भी बनी रहे और काम भी उसमें जारी रहे, तो लेकिन हो जाता है मैंने। काफ़ी सारी आपकी एग्जीबिशंस भी लगी हैं जी, जयपुर में भी लगाई हैं आपने, जयपुर से बाहर भी आपने एग्जीबिशंस लगाई हैं, आर्ट मेले में भी आप पार्टिसिपेट करती रहती, कला मेला जो जयपुर में होता रहता है, तो बहुत यादगार जैसी कोई इसकी इससे जुड़ी हुई कोई आपकी कोई ऐसी याद हो जो बहुत आपको? यूँ तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ललित कला एकेडमी का कला मेला है, हम लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें ग्रुप शोज़ हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जो, और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब लोगों से मिलना जुलना होता है और एक दूसरे का आर्ट वर्क ही आपको इंस्पायर करता है, इतनी वैरायटी में इतने लोगों का एक मंच पर होना, एक साथ होना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बहुत कुछ 5-6 साल पहले हम लोगों ने अहमदाबाद में एक ग्रुप शो किया था, तो वहाँ जब हम लोग पार्टिसिपेशन के लिए गए थे तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन लौटते में जब हम फ्लाइट से जयपुर आए तो कुछ ऐसी चीज़ें रही कि वो बैगेज हमारे कुछ खो गए थे, तो काफ़ी हेक्टिक भी रहा। कई बार एक आध शोज़ में ऐसा हुआ कि बाहर भेजे आर्ट वर्क, हम खुद नहीं जा पाए और अच्छे से एग्जीबिशन हो गई, लेकिन जब वापसी हुई आर्ट वर्क की कई मिसप्लेस हो गए, तो वो चीज़ें थोड़ा सा कई बार हर्ट करती हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट वर्क किसी भी कीमती चीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो ऐसे एक दो इनसे हुए हाथ से कि आर्ट वर्क होना वास्तव में किसी आर्टिस्ट के लिए, हम अपने हाथ से अगर मैं आपको गिफ्ट कर दूँ तो वो हमेशा सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन एक पता चले कि वहाँ से आपका आर्ट वर्क यहाँ पहुँचना था और वो रास्ते में कहीं मिसप्लेस हो गया, तो वो ऐसा दो बार हुआ, वो बड़ा तकलीफदायक होता है आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
आपके हस्बैंड का इन सब चीजों में आप इतनी यहाँ तक पहुंची, हस्बैंड का किस तरह से योगदान रहा? फैमिली के बिना तो मैं मानती हूँ कि किसी भी महिला का कुछ कर पाना मुश्किल है, तो हस्बैंड का और बच्चों का तो बहुत बड़ा रोल रहता है इन सब चीज़ों में। मेरे हस्बैंड मिस्टर राजेंद्र रुकाना, वो भी एजुकेशन फील्ड से ही हैं और एडुब्रेन वर्ल्ड स्कूल के नाम से एक चेन ऑफ स्कूल्स वो रन कर रहे हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। मेरे साथ अपना टाइम मैनेज करना, मेरे अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो पीछे से मेरी जिम्मेदारियों को मैनेज करना, आर्ट एग्जीबिशन हम लोगों की अक्सर शाम के समय में होती है, हालांकि फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई आर्ट कैंप्स के और इस तरह के इन्विटेशन मुझे छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि 5-6 दिन के लिए आप सारी चीज़ों को, स्टूडेंट्स को, अपने सारी लाइब्रेरीज को छोड़ के नहीं निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन, और जब भी मैं अपना कोई प्रोग्राम अगर उन्हें बताऊँ तो वो कभी ना नहीं होती है, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड है, पेंटिंग से, अपनी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन सपोर्टिव वो रहते हैं और उसका ही परिणाम है कि जितना भी समय मिल पाता है मैं कर पाती हूँ। कभी ऐसा होता है उनकी तरफ से कि शायद आप घर अपना टाइम नहीं दे पा रही, उस तरह का कभी उन्होंने कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं है, बच्चे भी बचपन से ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं कि मम्मा को पेंटिंग भी करनी है, कॉलेज भी जाना है, और कई बार ट्रेनिंग्स भी होती हैं कॉलेज की तरफ से लंबी एक एक महीने की, और आर्ट कैंप्स में, एग्जीबिशंस में भी बाहर जाना पड़ जाता है, तो सबके सहयोग से सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, और मुझे अच्छा भी लगता है कि बहुत बड़ा परिवार है और सब मिलके सबका प्यार और सबके शुभकामनाओं के साथ जर्नी चल रही है बड़े अच्छे से। सोशल मीडिया का जमाना है मैम, सोशल मीडिया से आपको लगता है कितना प्रमोशन मिल पाता है आप लोगों को? मतलब आपको लगता है कि आपके जो आर्ट है उसको प्रमोट कर पा रहे हैं, या कुछ नुकसान भी आपको? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हम नकार नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत नए ऐसे कलाकार हैं जो कि तुरंत हम लोग ग्रुप में जोड़ते हैं और बड़े अच्छे से एक्सपोजर मिलता है। आज जितने भी एग्जीबिशंस हो रही हैं, पहले एग्जीबिशंस का एक अलग सेटअप रहता था, सिर्फ प्रोफेशनल आर्टिस्ट या जो एकेडमिकली जो लर्नड हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। अब जो एग्जीबिशंस हो रही हैं उनमें हम लोग भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी होते हैं, यंग स्टूडेंट्स भी होते हैं और नॉन जो फाइन आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी होते हैं, तो सभी को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म मिलने लगा है। और थोड़ा सा कहना चाहिए कि दर्शकों का रुझान भी उस चीज़ से बढ़ता है, पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं सर्कुलेट हो पाती थी, अब बड़ा इजीली सबको पता होता है कहाँ कौन से शोज होने जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी होने जा रही है, तो जिन लोगों की रुचि है वो जुड़ भी पाते हैं। ड्रॉबैक थोड़ा सा एक जो चीज़ देखने में आती है कि कई बार ओरिजिनल आपकी कोई एक्टिविटी या कोई आपका क्रिएशन ओरिजिनल है, आपका आइडिया कोई ओरिजिनल है जिसको आप लाना चाह रहे हैं पेपर पे आर्ट वर्क में, तो कॉपीज भी बहुत जल्दी हो जाती हैं या उसका कुछ चेंजेस करके और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो लेकिन ठीक है। इस तरह का कभी आपको आपका एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का कि आपका कोई क्रिएशन हुआ है उसको कॉपी? ऐसा पर्टिकुलर मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन कई आर्टिस्ट इस चीज़ को फील भी करते हैं और हुआ भी है कई, स्पेशली जो कहना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कई बार देखने में आती है, लेकिन ऐसा बहुत मामूली, बहुत थोड़ा होता है, बेनिफिट्स सब लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं उस चीज़ के। ममता मैम, ब्रेक, आपसे बातचीत बहुत सारी करनी है लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर और बहुत सारी बात करेंगे जी। तो प्रोग्राम में समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ममता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में, आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में है ममता जी। मैम, ब्रेक से पहले जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह की विधाओं में आपने पेंटिंग की, सब कुछ किया, इंस्पिरेशन भी आपको काफ़ी लोगों से मिलती है, आपसे भी काफ़ी सारी यहाँ की महिला आर्टिस्ट है, खासकर मैं महिलाओं की बात करूँ जो आपसे प्रभावित है, आपसे इंस्पायर होती है, लेकिन कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसे आप इंस्पायर? देखिए, क्योंकि जयपुर में ही पढ़े हैं और आर्ट एजुकेशन से ही शुरुआत से नाता रहा है, तो जब जिन आर्टिस्ट को हम पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंस्पायर करते हैं, और जिनके साथ में काम किया है, जिन टीचर्स से पढ़े हैं जी, वो सभी से इंस्पिरेशन मिलता है। जब अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं तो कई स्टूडेंट्स का डेडिकेशन देख के भी बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, और जितने भी महिला चित्रकार हमारे गुरु रहे, डॉक्टर नीमा वशिष्ठ हैं और डॉक्टर रीता प्रताप हैं, डॉक्टर वीर बाला भावसर अभी कुछ समय पहले नहीं रहे,
तो सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनसे मिलना पर्सनली नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अमृता शेरगिल हैं, बी प्रभा हैं जी, और भी कई कलाकार ऐसे हैं जिनके काम को एकेडमिकली जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इंस्पिरेशन तो रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अब तक लगता है कि जो आसपास स्टूडेंट्स हैं, और थोड़े थोड़े समय बाद, जैसे बहुत लंबे समय तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में रही और मुस्लिम बच्चियां भी कई स्टूडेंट्स थीं, और आज भी बच्चों के कभी फ़ोन आ जाते हैं, लेटर आते हैं या कोई मैसेज होता है, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट से कम नहीं होता। फिर उसके बाद कुछ समय राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स भी रही जी, बीच में मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में पोस्टिंग थी, वहाँ भी गर्ल्स कॉलेज था, तो बड़ा अच्छा पूरा समूह बच्चों का साथ में होता था, और गर्ल्स के साथ में देर तक काम करना, और वो भी समय बहुत अच्छा रहा। अभी एट प्रेजेंट मेरी पोस्टिंग राजकीय महाविद्यालय जयपुर में है, और ये एक बहुत अलग अनुभव है मेरे लिए कि उस दो सत्र से पिछले मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए वहाँ व्यवस्था है ड्राइंग एंड पेंटिंग की, तो वहाँ भी बहुत सारी इंस्पिरेशन आपके चारों तरफ है। क्योंकि हम और आजकल के जो हमारे यूथ हैं, बच्चे, हम देखते हैं कि मतलब कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपके पास सब कुछ है, एक बहुत अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर है, अच्छे कपड़े हैं, मोबाइल फोन है, घर है, पेरेंट्स है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन उन बच्चों के साथ रहकर मैंने ये जाना कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना तल्लीन होकर पेंटिंग का काम करते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कॉलेज में और हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिव, पर्टिकुलर और रेगुलर होके, और कहीं उनके चेहरे पर किसी से कोई शिकायत नहीं है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। और उनसे मिलना ही मतलब अपने आप में हर सुबह इतनी बड़ी ताजगी भरी मुलाकात होती है कि किसी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई थकान नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन नहीं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर ने अगर कोई कमी दी है तो वो पूरी तरह से तैयार है कि हम उसको पेंटिंग के जरिए या कोई भी स्किल सीखकर जी, तो बहुत बारीकी से मतलब सब कुछ समझने सीखने के लिए तैयार हैं। तो उनके साथ रहना एक बड़ा अच्छा, पिछले कुछ समय से अच्छा एक नई चीज़ सीखने को मिली है, नया अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश है कि जब हम सब कुछ होते हुए, इतना कुछ करते हुए भी लगता है कि नहीं कमियां हैं, और वहां जब देखते हैं कि इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद वो अपने आप को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में पूर्ण और कॉन्फिडेंट मान रहे हैं, तो बहुत सारी मुझे लगता है कि अगर हम इंस्पायर होना चाहें तो अपने आसपास के नेचर, फूल, पत्ते, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी हमें इंस्पायर कर रहे हैं। चैलेंजिंग नहीं लगा था आपको जब आप यहाँ आए, अपने आपको जब पता चला आपको मूक बधिर बच्चों को पेंटिंग सिखानी है? नहीं, थोड़ा सा एक बार को लगा, लेकिन क्लास में हमारे साथ में इंटरप्रेटर जो संकेत में अपनी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं। और क्योंकि कला की एक ऐसी भाषा है कि जो एक बार आप और बच्चे जब समझ जाते हैं, और रंगों के साथ में जब आप काम करने लगते हैं, तो शब्द वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाते हैं, तो बड़े आराम से हो पा रही है सारी चीज़ें, और अच्छा लग रहा है उनके साथ, अच्छा लगती है वो सारी। कुछ देर पहले आपने अचीवमेंट्स की बात की थी, तो आप इतने सालों से कर रहे हैं, आपने इतना काम किया है, तो याद है पहला जो भी पुरस्कार था या सम्मान मिला था आपको, वो सबसे पहला वो आपको कितना समय हो गया, कब मिला? स्कूल लेवल से काफ़ी सारे प्राइजेस मिले, और शुरुआत में जब मैं महारानी कॉलेज में पढ़ रही थी तो पोस्टर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी संदेश के साथ में जी। और उस समय मुझे लगता है कि राजकीय जितने भी हमारे यहाँ के विभाग हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, स्वास्थ्य चिकित्सा, सबकी कुछ ना कुछ समय अवधि के दौरान पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे रेगुलरली, तो हमारा जो ग्रुप था हम लोग अक्सर पहुंच जाते थे और पोस्टर कॉम्पिटिशन्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता था हमारा। तो उस दौरान शायद फर्स्ट ईयर में जब मैं महारानी कॉलेज में, तब की बात है, और राजस्थान का जो नशा विरोधी विभाग है उसकी तरफ से एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन था, तो हम जिस तरह से आमतौर पर जाते हैं उसी तरह गए, पार्टिसिपेशन किया और आ गए। और फिर जब दो तीन दिन बाद उसका जो रिजल्ट आने वाला था तो हमें लगा था कि सूचना आ जाएगी और जैसे आमतौर पे छोटा सा प्राइज वगैरह लेके आ जाते हैं, लेकिन वो बड़ा ही मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि अखबार में पेंटिंग की फोटो भी छपी, पूरा डिटेल भी उसके बारे में छपी। और फिर जो आयोजक विभाग था उसने बताया कि आपका पुरस्कार आपको लगभग 3 महीने बाद दिया जाएगा, तो लगा कि बड़ा अजीब सी बात है, इतना क्यों रोका जा रहा है।
फिर बाद में पूरी सूचना आई कि तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन जयपुर आने वाले थे, तो उनके हाथों राजभवन में वो पुरस्कार लिया, वो क्षण आज तक नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद में हालांकि बहुत सारे अवार्ड्स रहे, लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो फोटोग्राफ और वो जो ट्रॉफी उनके हाथ से मैंने ली। और उसके बाद उस पोस्टर का बड़ी चौपड़ पे बहुत बड़ा एक होर्डिंग करीब पूरे साल भर तक लगा रहा, तो उधर से हम कई बार गुजरते या परिवार का कोई भी गुजरता तो वो नीचे पूरा इंट्रोडक्शन, तो वो पूरे फैमिली को पता था, बल्कि कई लोग गए स्पेशली देखने और आके बड़ा पापा को मम्मी को बड़ा गर्व महसूस हुआ। और उन्हीं का योगदान है पूरा, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन में अक्सर पापा लेके जाया करते थे, और मम्मी का योगदान मैं ये कहूँगी कि और मम्मियों की तरह उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी पेंटिंग छोड़ के रसोई में या मेरे काम में हाथ बटाओ, क्योंकि और सब्जेक्ट की क्लास में आप पढ़ के आ जाते हैं और आप घर आके और रिलैक्स होते हैं, लेकिन एक आर्ट स्टूडेंट अपनी क्लास अटेंड करके आ गया, अगले दिन की क्लास वो जब अटेंड करेगा कि पहले दिन का काम उसका कम्प्लीट है, तो घर पर भी काफ़ी वर्क आपको करना पड़ता है। वही रूटीन होता था कि अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आए और फिर अपने कमरे में पेंटिंग, वापस से रात को लेके बैठ गए, तो माँ को हमेशा अच्छा लगता था कि नहीं ठीक है कर रहे हैं, तो उनका कभी ये नहीं रहा कि इसको छोड़ो और मेरा काम करो आके, तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा कि वो उस समय जो मेहनत होनी चाहिए थी और उस समय जो सीखने की चीज़ें थी और जॉब जब ज्वाइन की, कॉलेजेस जब चेंजेस हुए, तो हर वक्त साथ रहे वो हर चीज में, तो अभी भी उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है सब जगह। आप एंकरिंग भी करते हैं ना? क्योंकि देखिए शिक्षक अगर हैं तो लगातार बोलने की आदत तो आपको वैसे ही विरासत में मिल जाती है, फिर एक्टिविटीज कुछ ना कुछ चलती रहती हैं कॉलेजेस में अगर आप हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक लंबे समय तक हर कॉलेज में जिम्मेदारी रही मंच संचालन की, कई राजस्थान ललित कला एकेडमी और कई और संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनके भी कार्यक्रम, लेकिन थोड़ा सा उससे मुझे हटना पड़ा, क्योंकि कॉलेज से आप फ्री होते हैं एक आफ्टरनून, 4, 4:30 बजते हैं, फिर हर कार्यक्रम 5-6 बजे के करीब शुरू होता है और 3 से 4 घंटे एक कल्चरल प्रोग्राम की हम ड्यूरेशन मानते हैं, तो थोड़े समय किया और अच्छा भी लगा मुझे, बहुत अच्छा लगता था कि आप एक किसी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रहे हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां शायद फिर कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस नहीं होने लगे, तो कुछ समय करने के बाद उस काम को मैंने अभी फिलहाल विराम दिया। अपनी फैमिली के बारे में, आपके अपने अपने हस्बैंड के बारे में मुझे बताया, अपने बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा। जी मेरी बिटिया है अंकिता रुखाना, उन्होंने ग्रेजुएशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया और कुछ समय जॉब करने के बाद अभी फिलहाल अपने पापा के साथ स्कूल्स का जो मैनेजमेंट है वही देख रही हैं। और बेटा भास्कर रोकना, वो विट्स पिलानी में अभी 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं जी। और बच्चे अपने चॉइस से अपनी एजुकेशन और सब कुछ, मुझे भी लगता है कि बच्चों का आजकल जो डिसीजन पावर है वो हमारी इससे कहीं ज़्यादा क्लियर है जी। हमारे समय इतनी सूचनाएं भी नहीं होती थी सब्जेक्ट्स को लेके, यूनिवर्सिटीज को लेके, कोर्सेज को लेके, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो खुद इतना एक्सेस कर लेते हैं और इतना अच्छे से पहचानते हैं अपनी कैपेबिलिटी को कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो मेरा या उनके पापा का फैमिली में से कभी किसी का वो प्रेशर नहीं रहा कि आपको एजुकेशन में इस चीज़ को चुनना है या ऐसा करना है, तो आई थिंक जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और बाकी हॉबीज आपके, लाइक डिसलाइक, इंटरेस्ट और क्या है पेंटिंग के अलावा? पेंटिंग के अलावा कुकिंग का बहुत शौक है, जब भी मौका मिलता है और परिवार में जब भी शामिल होते हैं सबके साथ में, तो अच्छे गाने सुनते हुए खाना बनाना अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा जैसे जब भी मौका मिले कहीं घूम के आना देखना, और थोड़ा अभी भी जो समय की कमी महसूस होती है वो किताबें पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि किताबें खरीदती बहुत हूँ लेकिन इतना समय नहीं निकल पाता अभी भी कि उन सबको पढ़ पाऊँ, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बड़ा लंबा ऐसा कोई ब्रेक मिले और मैं सिर्फ कई महीनों तक कुछ किताबों को पढ़ के समय बिताऊं, तो वो छुट्टियां मुझे अभी भी इंतजार है उन छुट्टियों का। आपने कुकिंग की बात की तो मुझे तब मैं यही सोची थी, मैंने गलती ही मुझे आपके पास आना चाहिए था, पर आपको ऑफिस में बुला देंगे, नेक्स्ट विजिट आप वहाँ ड्यू रखिए। जी जी बिल्कुल। और मैं फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या क्या नया लेकर आने वाले हैं? मैं एज ए टीचर ही अपने आप को हमेशा देख पाती हूँ, एज ए आर्टिस्ट मैं अपने आप को बाद में देखती हूँ, एज ए आर्ट टीचर मैं पहले देखती हूँ, और जो लाइबिलिटी
ड्यूटी और जो जिम्मेदारी बच्चों की जिस वक्त मिली हुई है, वो बच्चे खुश हों, वो बच्चे ऐसा मार्गदर्शन लें जिस तरह से हम अपने गुरुजनों से प्रभावित होकर आज तक सब कुछ कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आगे मेरे शिष्यों को भी रहे कि नहीं, उनकी एजुकेशन में कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रही। और उसके साथ साथ आर्ट वर्क्स है, तो जैसे बहुत समय हो गया सोलो शो नहीं हो पाया, तो एक इच्छा है कि हाँ थोड़ा टाइम बाद सोलो एग्जीबिशन अपनी प्लान करूँ। और जैसा मैंने बताया कि बुक्स में भी पर्टिकुलर आर्ट बुक्स का इतना एक बड़ा कलेक्शन है जी, तो समय मिले तो उन सबको पढ़ना और उनके साथ में जितना अभी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है वो कर रहे हैं। और कुल मिला के है कि अब ये जो बच्चे अभी जो मेरे पास हैं मूक बधिर विद्यार्थी हैं, और उनके लिए लगता है कि स्किल उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो कुछ और उनके लिए हम कर पाए, उनके कोर्सेज में कोई और एडिशन्स हो सके। और लेकिन हमेशा आगे आने वाले समय में भी मैं अपने आप को अपने बच्चों के अलावा, वो तो घर में है ही, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को स्कूल और कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स से घिरा हुआ उन बच्चों से पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हुए ही देख पाती हूँ। चलते चलते मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं खासतौर पर युवाओं से और महिलाओं से ही कहना चाहूँगी कि परिवार के साथ में रह चलते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा हमारा परिवार है, बहुत सारे कार्यक्रम आए दिन, शादी ब्याह सगाई सभी कुछ चलते रहते हैं, उसी के साथ ये जॉब भी चल रहा है, आर्टिस्ट की तरह से अपना जो आर्ट वर्क है वो भी सब चल रहा है। आजकल की खासतौर पे गर्ल्स को ये लगता है कि शायद हम इन सारी लाइबिलिटीज़ को ले लेंगे तो अपना सेल्फ जो करियर है उस पर नहीं फोकस कर पाएंगे, या अपने जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिल्कुल कूल माइंड से और बिल्कुल शांति से और सारे चीज़ों को और सबको साथ लेके बैलेंस करके चलते हैं तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मुझे भी सभी का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वर्क प्लेस हो और आर्ट फील्ड हो, सब जगह सबके सपोर्ट से ना हो सका सब कुछ कर पा रहे हैं और सबका सपोर्ट जरूरी है और अपने ड्रीम्स आप फुलफिल कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपका सोलो शो है वो बहुत जल्दी से आए ताकि हम आपका सोलो शो देख सके और मेरे दर्शकों को एक बार फिर आपका नया सोलो शो देखने को मौका मिला। आए पत्रिका स्टूडियो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी पत्रिका और आपको आभार देना चाहूंगी। और हालांकि मैं नहीं मानती कि कला जगत में कोई ऐसा बहुत बड़ा मेरी तरफ से कोई योगदान है, लेकिन हाँ एज एन आर्ट टीचर जितना हो पा रहा है और इससे ज़्यादा करने की हमेशा कोशिश रहेगी। आपने मुझे चुना और आज की बातचीत के लिए आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की और माय प्लेजर मैम। ये तो हम चाहते थे कि आप आए हमारे पास, आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिला। बहुत लंबे टाइम से मैंने सोचा था कि आपको बुलाएं। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पत्रिका टीवी में हमारे साथ ममता जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।